गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप लोग पढ़ेंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म क्या होता है? देखिए, कोई भी ऐसा एक समान पारदर्शी माध्यम होता है जो दो समतल पृष्ठों के बीच, अगर कोई कोण, कोई भी कोण हो, झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच में मतलब घिरा होता है। देखो, इसकी जो डायग्राम है वो इस तरह है। ये पहले वाला पृष्ठ है, ये इधर वाला पृष्ठ है, ये सेकेंड पृष्ठ है और एक नीचे वाला पृष्ठ है। इसकी अनुप्रस्थ काट देखेंगे तो इस तरह से, यानी साइड से अगर आप इसको देखेंगे तो ये वाला यहाँ पे दिखेगा। अब देखिए क्या होता है इसमें अपवर्तन कैसे होता है। जब कोई भी प्रकाश की किरण आएगी, सपोज़ पी क्यू आ रही है, तो देखो यहाँ से आपका प्रिज्म शुरू होता है, तो यहाँ से ये अपना रास्ता बदल देगी। रास्ता बदलने को कहते हैं अपवर्तन। यहाँ पर हल्का अपवर्तन होगा, उसके बाद फिर से यहाँ पर हवा आई। देखो, इधर भी एयर है, इधर भी एयर यानी हवा है, तो इसको निकलना चाहिए था, जैसे ये आ रही थी वैसे निकल जाना चाहिए था, जब इधर भी माध्यम वही है इधर भी। लेकिन प्रिज्म से क्या होता है, जो निकलने वाली जो भी किरण होती है वो बेस की तरफ झुक जाती है थोड़ी, तो यानी आर एस जो है वो आपकी क्यू आर से और बेस, ये होता है इसका बेस नीचे की तरफ, जिधर मोटाई ज़्यादा होती है प्रिज्म की, तो उसकी तरफ झुक गई, राइट। और आने वाली किरण यानी पी क्यू और आर एस, जाने वाली किरण के बीच में एक कोण बनता है डेल्टा, जिसको आप बोलते हैं विचलन कोण, और बिल्कुल इसके पीक पे जो कोण बनता है उसको बोलते हैं प्रिज्म कोण। तो ये था आपका प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन।